छत्तीसगढ़ विधानसभा को लेकर दोनों पार्टियों में जोश है और विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी भी अपने टिकट को लेकर भाग दौड़ कर रहे हैं। ऐसे समय में भाजपा ने अपने 21 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें सरायपाली विधानसभा से डॉक्टर सरला कोसरिया को विधानसभा के लिए अपना प्रत्याशी घोषित किया है। डॉक्टर सलाह कोसरिया वर्तमान में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही सरायपाली विधानसभा के लिए उनके नाम की घोषणा की, सरायपाली में उनके समर्थक पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी उनके चाहने वालों की भीड़ उनके घर पर जुटने लगी। उन्होंने बताया कि पार्टी संगठन से जो दायित्व मिलता है उसे पूरा करना सबकी जिम्मेदारी होती है। प्रत्याशी की घोषणा करके हमारी जीत सुनिश्चित हो गई है। पार्टी जो 15 साल से सरला कोसरिया जी पार्टी के लिए बहुत ही मेहनत क्षेत्र में कर रहे थे और लगातार 3 बार के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और इनका मेहनत और ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं में बहुत इनका क्रेज है और इनके जो गायत्री परिवार से धर्म से जो जुड़ी हुई हैं इनका एक अच्छा प्रभाव क्षेत्र में, तो जिस दिन से प्रत्याशी की घोषणा हुई है हमारा भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। जी धन्यवाद, प्रदेश की टीम केंद्रीय टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, साथ में सरायपाली विधानसभा के सभी कार्यकर्ता मेरे बंधु और बहने और साथ में यहाँ के नागरिकों को भी मैं धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक उम्मीदवार के लायक उन्होंने चयन करके ऊपर तक भेजा है नाम सूची। पार्टी के संगठन है, अंत्योदय का काम करना है और पार्टी जो दायित्व देती है उसके आधार भी है कि हम अंत्योदय का कार्य पूरे जनता के बीच जाकर सही कार्य करें और इसके लिए एक नए दायित्व मिला है। इस दायित्व के लिए मुझे चुना गया, मुझे खुशी हो रही है और सभी अपने संगठन की टीम के साथ दायित्व का निर्वहन भी बहुत